हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो टीपीएम हम लोग का सेल हो चुका है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, अगला टॉपिक मॉर्गेज कहाँ दिया हुआ है। ये मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार की है, अभी सब समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। देखिए भाई, मॉर्गेज जो दिया हुआ है वो चैप्टर 4। हाँ, 4 में तो दिया हुआ है। हाँ जी, चैप्टर 4 में दिया हुआ है। ये सेक्शन 58 से लेके कहाँ तक दिया हुआ है, 99 तो है नहीं, 98 तक दिया हुआ है। 99 तो रिपील हो गया, तो सेक्शन 58 से 98 तक दिया हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ना समझ में आए तुरंत कमेंट करके बताइएगा, विशाल भाई ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है, मैं अगले लेक्चर में आपको वो डाउट क्लियर करूंगा। चलिए तो मॉर्गेज क्या होता है भाई, चैप्टर 4 बोलता है ऑफ मॉर्गेज ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। यहाँ पर मॉर्गेज जो है वो हमेशा इमोवेबल प्रॉपर्टी का ही होगा, ठीक। अब सेक्शन 58 इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्या बताता है, सब कुछ यही बताता है, सब कुछ नहीं काइंड से बताता है, मतलब मेजर पार्ट जो है वो सेक्शन 58 में ही दिया हुआ है। क्या है भाई ये, समझाने के लिए थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, इसे फिर से बना लेंगे हम लोग। दिख तो रहा है ना साफ साफ, देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा ही है। चलिए क्या है भाई, ये सेक्शन 58 जब हम लोग रीड मारेंगे ना तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा मॉर्गेज क्या होता है। बोर्ड थोड़ा छोटा लगने लगा है मुझे, बड़े बोर्ड का इंतजाम करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। देखिए भाई, मान लीजिए एक आदमी है, उसे चाहिए कुछ पैसे, ठीक है। एक आदमी है ये, उसे कुछ पैसे चाहिए, उसे अर्जेंट नीड है पैसों की, ठीक है। अब क्या है, उसके पास सिर्फ एक घर है, ठीक है, ये व्हाइट हाउस है उसके पास, इसके अलावा उसके पास कोई चीज नहीं, ठीक। अब क्या है, वो इस घर को बेचना तो नहीं चाहता लेकिन पैसों की उसे बहुत जरूरत है। जरूरत होने के बहुत सारे कारण होते हैं, क्या है मान लीजिए कोचिंग की फीस भरनी है, समझे कि नहीं। अब पहले तो ये ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल नहीं थे, तो बेचारे ए को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, जुडिशरी की तैयारी कराने के लिए क्या चाहिए, पैसों की जरूरत है। एक ही घर है, उसको वो बेचना भी नहीं चाहता लेकिन पैसों की उसे जरूरत है। तो वो क्या करता है, बी के पास जाता है और कहता है देखो मैं ये मकान तुम्हें 5 लाख रुपए, जिसकी वैल्यू मान लो, इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो मान लीजिए 10 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन ये इसे बी को 5 लाख रुपए में मॉर्गेज रख देता है, गिरवी रख देता है, ठीक है, और कहता है कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो। बी इस मकान के बदले इसे 5 लाख रुपए दे देता है, ठीक। तो यहां पर ये कौन है, ए ट्रांसफरर है, ठीक है, बी कौन है, ट्रांसफरी है जिसके पास चीज आ रही है, ठीक। अब क्योंकि ये केस मॉर्गेज का है ना, जैसे सेल हम लोग ने पढ़ा था तो उसमें क्या था, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्यों ये भाई इसने इस ट्रांसफर इस मकान का इंटरेस्ट बी को क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि भाई बी इसलिए लेता है कि वो सिक्योर्ड है कि भाई जो मैंने इसे पैसा दिया है वो सुरक्षित रहे, ऐसा ना हो मान लीजिए अगर ये मकान गिरवी ना रखता बी, ये अगर पैसे नहीं देता तो बी क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो दो चीजें आपने यहाँ पर देखी, यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है, ऑनरशिप नहीं हो रही है, सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये डेप्थ को बी अपना जो इसे पैसा दिया उसको सिक्योर करना चाहता है, ठीक है। जहां अगर मॉर्गेज होगा, ठीक है, अगर मॉर्गेज होगा, मॉर्गेज के केस में ट्रांसफरर को हम मॉर्गेजर बोलते हैं, ठीक, इसको मॉर्गेजी बोलते हैं, ट्रांसफरी को मॉर्गेजी, ट्रांसफरर को मॉर्गेजर, इस प्रॉपर्टी को जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हम मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहेंगे, मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक। और मनी जो 5 लाख रुपए इसने दी है इसको हम मॉर्गेज मनी कहेंगे,
और कुछ है? और अगर मान लीजिए इसको ट्रांसफर करते समय रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, हर केस में नहीं होती, अभी हम लोग ये देखेंगे तब इसमें मालूम पड़ेगा, अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो उसको हम मॉर्गेज डीड कहेंगे। ठीक, ये टर्म समझ में आ गए क्या क्या है? ये सब सेक्शन 58 में दिए हुए हैं, ठीक है। सेक्शन 58 में क्या क्या दिया हुआ है कि मॉर्गेजर कौन होगा, मॉर्गेजी कौन होगा, ट्रांसफरर मॉर्गेजर होगा, ट्रांसफरी मॉर्गेजी होगा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या होगी, जिससे जिससे डेट सिक्योर किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी होगी, मॉर्गेज मनी क्या होगा, जितना इन्हें 20 रुपया लिया है वो मॉर्गेज मनी होगा, मॉर्गेज डीड क्या होगा, अगर इस ट्रांसफर करने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो वो मॉर्गेज डीड होगा, ठीक है, उसको हम मॉर्गेज डीड कहेंगे। चलिए सेक्शन 58 का ए ये बात बोलता है, क्या बोलता है, मॉर्गेज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, क्या है भाई, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, सेल में क्या था, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करनी चाहिए, ये नहीं अगर चार उसके पास मकान है तो वो स्पेशली बताए कि मैं ये वाले मकान को आपको मॉर्गेज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी, किस लिए, सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी, एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन एंड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू पेकुनरी लाइबिलिटी। अब क्या होगा, जो क्या होगा, ए के ऊपर एक पेकुनरी लाइबिलिटी बना देगा, क्या बना देगा कि इसे 5 लाख रुपए लौटाने हैं बी को, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट तय हुआ है तो वो इंटरेस्ट भी साथ में है, ठीक, क्या होगा इसके ऊपर एक लाइबिलिटी, पेकुनरी लाइबिलिटी आ जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पेकुनरी लाइबिलिटी आना भी इम्पोर्टेंट है, इससे ही मालूम पड़ेगा, ठीक। तो इस टाइप के हम ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए ये मॉर्गेज जो हैं 6 टाइप के मॉर्गेज हैं जो कि टीपीए में बताए गए हैं, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज हम लोग देखेंगे, ये भी सब 58 में ही दिया हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा, ए में तो ये सब बातें दी हुई हैं, 58 का क्लॉज ए में ये सब दिया हुआ है, क्या कि मॉर्गेज कौन है, मॉर्गेजर कौन है, ये सब बातें, बी में सिंपल मॉर्गेज दिया हुआ है, सी में मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, डी में यूजो फैक्ट्री, ई में इंग्लिश, एफ में मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जी में एनालमस मॉर्गेज, ठीक है। तो इस टाइप के पूरे 6 कितने काइंड्स ऑफ मॉर्गेज हैं, टोटल 6 हैं, ये भी एक आध बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, उत्तराखंड में पूछा गया था, क्या टीपीए में कितने काइंड के मॉर्गेज बताए गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और एनालमस मॉर्गेज, ठीक, इतनी समझ में आई। ये कभी कभार सिक्वेंस से पूछ दिया जाता है कि बताइए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहाँ दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 58 के क्लॉज सी में, ठीक है। अब देखिए अब इसमें याद करने वाली क्या ट्रिक है, आप दो तो इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है, सी में कंडीशनल सेल दिया हुआ है, ई में इंग्लिश, ई से इंग्लिश, सी से कंडीशनल सेल, दो तो ऐसे ही याद हो गए, ठीक। अब सबसे पहला सिंपल है तो आपको बी भी पता हो गया, अब रह गए दो, ठीक है, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज बीच में दिया हुआ है और सबसे लास्ट में मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। एनालमस मॉर्गेज क्या होता है इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, इसको अभी आप ऐसे समझिए कि ये है नहीं, ठीक है, इसको आप ऐसे मान चलिएगा कि अभी ये नहीं है, अभी हम लोग इन 5 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई, अरे इसमें समझने भाई का, अब हम लोग देखिए कुछ चीजें और देख लीजिए, ऊपर मैंने ये क्या लिख रखा है, देखिए 2 राइट हमेशा होते हैं, जो मॉर्गेजर होता है ना, जिसने प्रॉपर्टी रखी है, ठीक है, उसका एक राइट होता है राइट टू रिडीम क्या होता है कि भाई रिडीम करना, अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना, ठीक है। अगर वो मॉर्गेज है, अगर वन से मॉर्गेज इज ऑलवेज ए मॉर्गेज, ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी मॉर्गेज, कोई प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की है
तो उसमें एक राइट आपका हमेशा होगा कि आप उसको प्रॉपर्टी को वापस ले सकें। कैसे भाई? जो डेप्ट मनी, जो मॉर्गेज मनी है, उसको आप पे करो, आपको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि इसने मॉर्गेज की ही इसीलिए है कि भाई, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता था, है कि नहीं? बेचना मैं नहीं चाहता। अगर मैं बेचना ही चाहता होता तो ये 10 लाख की प्रॉपर्टी थी तो मैं 10 लाख की नहीं बेच देता, मैं 5 लाख की इसको क्यों मॉर्गेज पे रखता? तो कोर्ट ये बात जानती है। तो ये राइट हमेशा होता है, चाहे किसी भी टाइप का मॉर्गेज हो, ठीक है, किसी भी टाइप का मॉर्गेज हो, उसके पास, मॉर्गेजर के पास राइट टू रिडीम हमेशा होता है। ठीक, राइट टू रिडीम बेसिक है मॉर्गेज का। अगर, क्योंकि भाई उसने बेची इसीलिए नहीं है कि भाई वो वापस वो लेना चाहता है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चाहे सिंपल हो, कंडीशनल हो, यूज ऑफ फैक्ट्री हो, इंग्लिश हो, या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड हो, या एनलमस हो, कोई सा भी हो, राइट टू रिडीम मॉर्गेजर का राइट है, जो उसे मिलेगा ही मिलेगा। ये सेक्शन 60 में दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इतना जान लीजिए। ठीक, इसी तरीके से भाई मॉर्गेजी का भी एक राइट है। क्या राइट है? अरे भाई, उसने जो पैसा दिया है वो उसे वापस मिले, है कि नहीं है? जैसे एक का प्रॉपर्टी लेना एक राइट है, बेसिक राइट है इसका, ठीक है। वो कैसे भी आप कुछ भी मॉर्गेज करो, कैसे भी करो, कोई भी कंडीशन लगाओ, आप राइट टू रिडीम को नहीं हटा सकते, ये हमेशा उसके पास रहेगा। इसी हिसाब से बी के पास भी एक राइट होता है जो कभी उससे नहीं हट सकता। कौन सा? सू फॉर रिकवरी ऑफ डेट, कि भाई जो पैसा हमने दिया है वो, उसके लिए केस फाइल करके हम पैसा ले लें, फिर चाहे वो सिंपल हो, चाहे कंडीशनल हो, चाहे यूज ऑफ फैक्ट्री हो, यूज ऑफ फैक्ट्री में नहीं होता, सॉरी, यूज ऑफ फैक्ट्री में नहीं होता, ठीक है, इसमें नहीं होता, और इंग्लिश में, और डिपॉजिट ऑफ टाइटल, अब इसको हटाना पड़ेगा, बना लिया था ना इसे, इसे भी बना लीजिए। अभी सब बता दूंगा इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करना होगा आपको, ठीक है। एक चार्ट से ही आपका पूरा काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी, ये सब दूर हो जाएगा। हमारे पंकज सर हैं, उन्होंने ये चार्ट तैयार किया था, मतलब मुझे तो उन्होंने ही बताया, ठीक है। देखिए भाई क्या है, चाहे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड हो, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, लास्ट वाले एनएलएमएस मॉर्गेज को हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये दोनों चीजें, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज में मैंने क्यों ये नोट लिखा, अभी हम लोग वो रीड मारेंगे तब हम लोग को पता चलेगा, ठीक। ये दो बातें हो गई, ये दोनों चीजें आ गई समझ में। राइट टू रिडीम सेक्शन 60 में दिया हुआ है, ये हमेशा इसके पास होता है, ठीक है, किसके पास? मॉर्गेजर के पास। दूसरा, जो मॉर्गेजी है उसका अपने पैसे वापस लेने का राइट हमेशा रहता है, ठीक। चलिए, ये सेक्शन 60 में दिया हुआ है और ये सेक्शन 68 में दिया हुआ है, इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको देख लीजिए। चलिए अब इसको रीड मारते हैं, क्या है पैराग्राफ, जो ए जो है 58 का ए, वो यहाँ पर हो गया था, ठीक है, उसको रीड मारिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बी देखते हैं, सिंपल मॉर्गेज क्या है, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, क्या हो रहा है? ये हम लोग ने क्या हेडिंग बनाई है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। मॉर्गेज की एक खासियत ये भी है कि उसने वहां पर उसे प्रॉपर उसका इंटरेस्ट तो दिया था, ठीक है, मकान का इंटरेस्ट दिया था, लेकिन पोजेशन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अकेला उसी में रहता था, एक ही मकान था, वो खुद रहता था उसमें, तो पोजेशन नहीं दिया था उसने उसमें। तो क्या होता है, सिंपल मॉर्गेज की खासियत क्या है, अभी इसको पूरा पढ़ते हैं, उसकी खासियत ढूंढते हैं। वेयर विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होता। द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी, क्या उसके पास होता है, पर्सनल लायबिलिटी होती है उसमें, ठीक, कि भाई पैसे वो देगा खुद ही। एंड एग्री एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली डेट इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट द मॉर्गेज शैल हैव राइट टू कॉल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड एंड द प्रोसीड ऑफ सेल टू बी अप्लाइड सो एज मे बी नेसेसरी इन द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सिंपल मॉर्गेज एंड मॉर्गेजी इज कॉल्ड सिंपल मॉर्गेजिंग। ठीक,
क्या इसने बोला इसमें कि देखो भाई उसे क्या होता है सेल, कि अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो उसके पास होगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सेल्ड, राइट टू सेल उसे दे देता है। ठीक, और क्या है, अगर राइट टू सेल है तो फोरक्लोजर नहीं दे पाएगा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। तो अगर आपको जानना है कि कोई भी मॉर्गेज सिंपल है कि नहीं है तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, अगर पजेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पजेशन मॉर्गेजी को नहीं दे रहे, ठीक, और उसमें अगर वो इन डिफॉल्ट अगर मॉर्गेजर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, अगर उसके पास राइट टू सेल है तो फिर वो सिंपल मॉर्गेज होगा। सिंपल सी बात यह है कि सिंपल मॉर्गेज की खासियत ये होती है कि मॉर्गेजी के पास सेल करने का राइट होता है, ठीक है, फोरक्लोजर का नहीं होता है, रिकवरी ऑफ डेट का तो हमेशा होता ही है, पजेशन ऑफ ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक, चलिए अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, वेयर द मॉर्गेज ऑस्टेंसिवली सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन डेट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। अब इसमें क्या होता है, राइट टू सेल तो नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें फोरक्लोजर होता है उसके पास, इसलिए राइट टू सेल नहीं होता। ठीक, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन कंडीशनल सेल में नहीं होता, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन की कोई बात नहीं की गई। ठीक, इसको आप रीड मारिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, पूरा रीड मार दीजिएगा। इसमें यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज में क्या होता है, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज में क्या होता है कि इसके पास, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज क्या होता है कि मैंने किसी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, ठीक है, मैंने उसे मॉर्गेज पे अपना घर दिया, मान लो 1,00,000 रुपए में, कि भाई तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दो और ये मकान तुम तब तक रखो जब तक तुम इससे 1,00,000 रुपए पैदा नहीं कर लेते। मान लीजिए उस मकान का रेंट आता है 10,000 रुपए महीने, ठीक है, तो 1,00,000 रुपए 10 महीने में तैयार हो जाएंगे उसके, मतलब उसे मिल जाएंगे। तो हम मैं कहूंगा कि देखो भाई मैं, तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दो और ये मकान मैं तुम्हें 1 साल के लिए दिए दे रहा हूँ, 1 साल में तुम्हारा पैसा जब उसमें निकल आएगा तब तुम हमें ये वापस दे देना। इसीलिए इसमें रिकवरी ऑफ डेप्ट का राइट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें उसे उस प्रॉपर्टी से ही पैसा निकालना होता है। अब बात समझ में आई, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज में सू फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट मॉर्गेजी के पास क्यों नहीं होता, क्योंकि वो केस फाइल करके पैसे नहीं ले पाएगा, इसमें कैसे ले पाएगा, आप उसी प्रॉपर्टी से पैसा पैदा करें, ठीक है, जब आपका पूरा पैसा निकाला है तब उसे प्रॉपर्टी वापस कर दें, बस। ठीक, तो जब आप यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज जब रीड मारेंगे ना तो आपको पता चलेगा यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज ही ऐसा है जिसमें इसके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती पैसा पे करने का। अब भाई अगर ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को दी है, अगर यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज पे दी है तो क्या कहा है उसने कि भाई इससे जब तुम्हारा 1,00,000 रुपए निकला है तब तुम हमें ये वापस कर देना। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि भाई तुम्हें ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूँ लेकिन मैं यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज कर रहा हूँ, मैं पैसा तुम्हें वापस 1,00,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, तुम इस प्रॉपर्टी से पैसा पैदा जब हो जाए, तुम्हारा 1,00,000 रुपए मिल जाए तब तुम ये मुझे वापस कर देना। तो इसको हम, इसके ऊपर कोई पर्सनल लायबिलिटी थोड़े है। बाकी सब में क्या था, अगर ये सिंपल मॉर्गेज होता तो क्या होता, इसमें ए बी से कहता कि तुम 1,00,000 रुपए हमें दे दो, ठीक है, और लेकिन वो इस मकान का इसको पजेशन नहीं देता। ठीक, पजेशन दे रहा है क्या वो, नहीं, क्योंकि ये सिंपल मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज में क्या पजेशन नहीं देता है, लेकिन ये 1,00,000 रुपए देगा अपनी जेब से, इसके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज में ट्रांसफर ऑफ पजेशन होता है। अरे पजेशन जब वो उसे देगा तभी तो वो पैसा पैदा करके इसे वापस देगा ना। ठीक, और यूज ऑफ फैक्ट्री में और कोई खास बात है, और कुछ नहीं है ना, ये होता। अब वो सेल भी नहीं कर सकता, तुमने ली क्यों, यूज ऑफ फैक्ट्री में क्यों ली, यूज ऑफ फैक्ट्री में सिर्फ तुम्हारे पास एक ही राइट है, पजेशन लो, उससे पैसा पैदा करो, जब पैसा निकल आए जितना भी तुम्हारा मॉर्गेज डेट था वो सब निकल आए फिर उसे वापस कर दो। ठीक, तो ना आप इस पे प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं कि साहब 1,00,000 रुपए पैदा नहीं हो पा रहा इससे, इसको बेच के हमें 1,00,000 रुपए दो, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यूज ऑफ फैक्ट्री है। ठीक, फोरक्लोजर के लिए भी नहीं डाल सकते। ठीक, और रिकवरी ऑफ डेट नहीं कर सकते, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, एक ही है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन लो और
पैसा पूरा लो उससे, उस प्रॉपर्टी से। इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है? इंग्लिश मॉर्गेज जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, सिंपल का और कंडीशनल का, सिंपल का और यूज ऑफ फैक्ट्री का। क्या क्या होता है इसमें? इसमें ट्रांसफर ऑफ पोजीशन भी होता है, ठीक, और सेल भी होता है, सॉरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ही होता है बस, ठीक। ना इसमें राइट टू सेल होगा, ना फोरक्लोजर होगा। हाँ सही है, ठीक है। इसमें ना राइट टू सेल होगा, ना राइट टू फोरक्लोजर होगा। इसमें क्या क्या होगा? इसमें पोजीशन होगा आपके पास, ठीक है, और सू फॉर रिकवरी ऑफ डेट के लिए आप केस कर सकते हो, ठीक। पोजीशन भी आपके पास रहेगा, और अगर वो पैसा नहीं लौटाता है तो आप केस फाइल करें सू फॉर रिकवरी ऑफ डेट कोर्ट में कि साहब मेरा जो पैसा है इनसे दिलवाओ, अब चाहे ये दें चाहे इनका घर बेच के दिया जाए, है कि नहीं। अब मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड क्या होता है? ये होता है कि भाई बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि भाई आदमी जो है उसे पैसा चाहिए होता है, ठीक। अब वो वहां पैसा से कोई लेन देना नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो अपने कागज लेके जाते हैं और बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में हमेशा मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ही होता है। क्या होता है कि वो अपने भाई मकान के कागज लेके गए बैंक में जमा किए, बैंक ने देखे हाँ भाई इन्हीं का है तो भाई लोन दे दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसमें क्या होता है, अगर आपने पैसा नहीं दिया बैंक आपका घर बेच देगी, उनके पास राइट टू सेल होता है, ठीक है। अगर राइट टू सेल होगा तो फोरक्लोजर तो हो नहीं सकता, ठीक, और सू फॉर रिकवरी ऑफ डेट होता ही होता है वो तो, ठीक। पोजेशन इसमें नहीं मिलता, केवल डॉक्यूमेंट उसके पास रहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब एनालॉमस मॉर्गेज क्या होता है? अगर कोई भी मॉर्गेज आपने कुछ कंडीशन ऐसी लिखी, इसमें कंडीशन तो आप अपनी ओर से लिख सकते हो ना, आपने अगर अपनी कंडीशन कुछ ऐसी लिखी, ठीक है, जो कंडीशन इनमें से मैच नहीं खा रही है या इनसे इनका मिक्सचर हो रही है, ठीक है, कुछ आपने ऐसी कंडीशन लिखी जो ना तो वो सिंपल में फॉल हो रहा है, इन चारों में फॉल नहीं हो रहा है, इन पांचों में फॉल नहीं हो रहा, तो वो कोर्ट एनालॉमस मॉर्गेज मान लेगी, जिसमें क्या होता है सारी चीजें आपकी कंडीशन पे ही बेस्ड होती हैं, ठीक, एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे ही आपने टर्म्स एंड कंडीशन में सेट की हैं, उसी हिसाब से आपके राइट्स होंगे, ठीक। तो एनालॉमस मॉर्गेज में सब आपके ऊपर होता है, रिकवरी ऑफ राइट टू रिडीम तो रहेगा ही रहेगा उसके पास, चाहे आप कुछ भी कंडीशन जोड़ दो। ऐसा कभी नहीं कर सकते आप कहो कि देखो तुम ये मुझे मॉर्गेज कर रहे हो लेकिन तुमने अगर एक साल में पैसा नहीं दिया तो फिर ये तुम्हारा मकान कभी तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक। उसके पास राइट टू रिडीम तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसने मॉर्गेज ही इसीलिए किया है कि भाई वो बेचना नहीं चाहता, वो चाहता ये वापस मेरे पास आ जाए, तो ये राइट उसका कभी दूर नहीं जा सकता। इसी हिसाब से एक राइट होता है रिकवरी ऑफ डेट, भाई जिसने पैसा दिया है वो भी दूर नहीं जा सकता, लेकिन यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज एक ऐसा होता है जिसमें वो उसी प्रॉपर्टी से पैसा जनरेट करता है, तो उसमें वो रिकवरी ऑफ डेट के लिए नहीं जा सकता, बाकी सब में जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है कि आप ये बताइए कि सिंपल मॉर्गेज में कौन सा राइट होता है, क्या सेल होता है, फोरक्लोजर होता है, सू फॉर रिकवरी डेप्थ होता है कि पोजेशन होता है। तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, सिंपल मॉर्गेज में उसके पास राइट टू सेल होता है और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होता, ये दोनों चीजें हमेशा ध्यान रखिए, कभी इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, सिर्फ यूज ऑफ फैक्ट्री को छोड़ के इसमें नहीं होता, बाकी आपको ये तीन याद करने हैं, किसमें राइट टू सेल का उसके पास राइट है मॉर्गेजी का, किसमें राइट टू फोरक्लोजर का है और किसमें ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन सिर्फ दो में होता है, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज में और इंग्लिश मॉर्गेज में। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन सिर्फ दो टाइप के मॉर्गेज में होता है, किस किस में, यूज ऑफ फैक्ट्री में और इंग्लिश में। यूज ऑफ फैक्ट्री में क्यों होता है, क्योंकि भाई वो उसी प्रॉपर्टी से पैसा बना रहा है। इंग्लिश में क्यों होता है, क्योंकि इंग्लिश मॉर्गेज जो है वो मिक्सचर होता है, किसका, इंग्लिश मॉर्गेज मिक्सचर है सिंपल प्लस यूज ऑफ फैक्ट्री का, ठीक है, इसमें दोनों की कंडीशन होती है सिंपल और यूज ऑफ फैक्ट्री में, तो इसीलिए क्योंकि ये मिक्सचर है यूज ऑफ फैक्ट्री का, तो इसलिए इसमें भी पोजीशन इसमें
मिलता है। ठीक, चलिए, तो अगर पजेशन है, रिकवरी ऑफ डेप्थ है, तो आप सेल के लिए नहीं डाल सकते, आप फोर क्लोजर के लिए नहीं डाल सकते। ठीक, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में क्या होता है, ट्रांसफर कोई बात ही नहीं उठती, केवल डॉक्यूमेंट उसके पास जाते हैं बैंक के पास, तो ट्रांसफर ऑफ पजेशन नहीं होता, मॉर्गेजी के पास पजेशन नहीं जाता है। ठीक है, जो आप बैंक क्या कर सकती है, केवल आपका मकान बेचने के लिए सेल का केस फाइल कर सकती है, कि कोर्ट में करेगी कि माय लॉर्ड इनका जो है ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं, अब इनका मकान बेच के मुझे पैसा दिया जाए। ठीक, फोर क्लोजर के लिए नहीं डाल सकती। फोर क्लोजर सिर्फ एक में होता है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। क्यों? क्योंकि कंडीशनल सेल क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है इनमें से कौन सा मॉर्गेज जो है वो सेल होता है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल सेल नहीं होता है। ठीक है, वो एक कंडीशनल सेल होता है। कंडीशनल सेल का मतलब कि अगर जो डेट फिक्स हुई है उतने दिन में अगर वो पैसा नहीं देता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फोर क्लोजर के लिए जाते हैं और कोर्ट से ऑर्डर पास करवा के लाते हैं कि अब इस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेजर का कोई राइट नहीं रहा, अब उसने फोर क्लोज कर दिया अपने राइट, अब उसने खो दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऑन टाइम पैसा नहीं दिया। ठीक, अगर केस फाइल करने के और ऑर्डर पास होने से पहले भी या डिग्री एग्जीक्यूट करने से पहले भी अगर मॉर्गेजर पैसा दे देता है तो उसे प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, लेकिन डिग्री एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद फिर नहीं मिलेगा, फिर उसके पास से वो प्रॉपर्टी गई। ठीक, तो फोरक्लोजर का राइट सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है, कंडीशनल सेल में। ये क्या होता है मॉर्गेज का कंडीशनल सेल, कि भाई एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तुमने एक साल के अंदर पैसा नहीं दिया तो ये सेल वैलिड मान ली जाएगी, और पैसा दे दिया तो ये सेल वॉइड हो जाएगी। ठीक, इतनी समझ में आई, कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है कब नहीं है। अगला ही सेक्शन 58 का 59 बात करता है रजिस्ट्रेशन की। क्या है भाई रजिस्ट्रेशन? मॉर्गेज वेंट टू बी बाय एश्योरेंस वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज 100 रुपीज और अपवर्ड। अगर 100 रुपए से ऊपर का है, ठीक, अगर 100 रुपए से ऊपर का है तो मॉर्गेज अदर देन ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द मॉर्गेजर और अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। क्या बोल रहा है? वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज लेस देन 100 रुपीज ए मॉर्गेज में बी अफेक्टेड अदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन और अटेस्टेड और अफेस्टेड और इज द केस ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब क्या होता है इसमें, बोल रहा है कि अगर 100 रुपए से ऊपर का है, ठीक, 100 रुपए से ऊपर का है तो क्या होगा इसमें बताइए। 58, 59 जब आप रीड मारेंगे तो आपने देखा होगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज ऑलवेज हमेशा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक, मॉर्गेज में कंडीशनल सेल अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, 100 और मोर। ठीक, यूज ऑफ फैक्ट्री अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो। ठीक, इंग्लिश मॉर्गेज अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो। ठीक, मॉर्गेज में डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का भी नहीं। क्यों? अरे क्योंकि वो तो अपने आप ही सब डॉक्यूमेंट पे हुआ है। ठीक, मॉर्गेज में सेल में आपने देखा है सिर्फ रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन साथ साथ अटेस्टेशन भी जरूरी होता है कि दो विटनेस अटेस्ट करें। इसमें क्या होगा एनालॉगस में, जिस हिसाब से उनकी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जैसा उनका टर्म्स एंड कंडीशन उसी हिसाब से इसमें होगा एनालॉगस में। ठीक, अब आप ये देखिए क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन से मॉर्गेज में, इन चारों में से किस मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। किसमें? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूज ऑफ फैक्ट्री, इंग्लिश और डिपॉजिट टाइटल डीड। तो आपको कौन सा टिक मार के आना? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। क्यों? उसमें रजिस्ट्रेशन कभी जरूरी नहीं होता। इन तीनों में अगर इसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होगी तभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वरना नहीं कराना पड़ेगा। सिंपल मॉर्गेज में चाहे वो 100 रुपए की हो चाहे उससे कम हो, कुछ भी हो,
हमेशा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके इसमें सिर्फ क्या होता है, कोई पजेशन थोड़े मिल रहा है भाई, उसका पैसा मारा जाएगा। क्यों? पजेशन तो मिल नहीं रहा, पैसे उसने दे दिए, ठीक है, सिक्योर्ड होने के बावजूद भी अनसिक्योर्ड हो जाएगा अगर डॉक्यूमेंट पे उसका मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना इसमें, सिंपल मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन हमेशा होता है, बाकी तीन में कंडीशनल सेल में यूज ऑफ फैक्ट्री में इंग्लिश में अगर 100 रुपए से ऊपर होगा तो होगा, मॉर्गेज या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही कागज पे ही पूरा काम होता है, ठीक है। अरे भाई उसने बैंक में कागज रखे तभी ये होगा, ठीक, बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से आते हैं, ये चार्ट बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें कौन कौन देख लिया, 58 और 59 देख लिया। अब देखिए इसमें जो है कुछ सेक्शन केवल राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं क्या क्या इसमें पढ़ाऊंगा आपको। देखिए हम लोग पढ़ेंगे साथ में सेक्शन 60 को पढ़ेंगे, ठीक, और 60 को पढ़ेंगे, सिक्सटी नाइन को भी पढ़ ही लेंगे साथ में, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 81 मासलिंग 82, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेप्थ, और 91 92 93 94 रिडीम अप और फोरक्लोज डाउन 91 एंड 94 ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब साथ में पढ़ेंगे। बाकी सब सेक्शंस को आपको खुद रीड मानना है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात की गई है, और उनके अंदर से कुछ पूछा भी नहीं जाता है, अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सिर्फ सेक्शन ये बता देंगे कि बताओ ये चीज कौन से सेक्शन में दी हुई है, तो आप ऐसे ही याद कर लेना, उससे भी काम चल जाएगा। एक बार रीडिंग मान लेना तो आपको राइट्स लायबिलिटी भी मालूम हो जाएंगे, उसके अंदर से नहीं आता है, ठीक। चलिए तो इसका मतलब हम लोग मॉर्गेज 2 से 3 लेक्चर और बनेंगे, 3 और मॉर्गेज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या रह जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, लीज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, और एक्शनेबल क्लेम है, हो ही जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक। चलिए तो ऐसा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी किया करिए भाई, लाइक तो बढ़ते ही नहीं है, व्यूज तो बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करिए, अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, ठीक है, थैंक यू।